एक पल को सोचो, क्या आपने एक एप्लीकेशन बनाई ताकि लोग अपना पेड कंटेंट और ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए, लेकिन सडनली आपको एक ऐसा आइडिया आता है जिसने आपकी और आपके साथ साथ लाखों और लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल डाली। कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि ना तो एडवर्टाइज करता है और ना ही किसी तरीके की पब्लिसिटी करता है, इस सबके बावजूद भी आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 120 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं। एंड यू नो व्हाट, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो क्रिएटर्स हैं वो आज के इंस्टाग्राम और यूट्यूब के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स से भी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इट्स नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। ओनली फैंस, एक ऐसी दुनिया जहां पर लोग वर्चुअली अपनी बॉडीज को सेल करके पैसा कमा रहे हैं, हैज समथिंग वेरी डार्क इन इट। बहुत सारे टीनेजर्स अपनी फोटोज और वीडियोज सेल करके पैसा कमा रहे हैं। अ लॉट ऑफ देम आर इन डिप्रेशन और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने सुसाइड तक कर लिया। लेकिन सवाल है क्यों एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे। आखिर ऐसा क्या है इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर जिसने लोगों को इस हद तक पुश कर दिया कि लड़के अपना पैसा लुटाए जा रहे हैं और लड़कियों को सोसाइटल एंजाइटी और डिप्रेशन तक का सामना करना पड़ रहा है। इस दुनिया में कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि एक वर्चुअल सेक्सुअल प्लेजर के लिए बिल्ड करी गई वेबसाइट एक दिन एक मल्टी बिलियन डॉलर जाइंट बन जाएगा। और ये इतना ज्यादा खतरनाक होगा कि अगर आप एक बार ही इसके जाल में फंस गए तो निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ये कहानी शुरू होती है साल 2010 में, जब टिमोथी स्टोकली अपने रिलेटिव से कुछ पैसा उधार लेकर ग्लैम वर्शिप नाम की वेबसाइट की शुरुआत करते हैं। ग्लैम वर्शिप ओनली फैंस का एक डेमो वर्जन था, बट बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट इट फेल्ड। इवेंचुअली ये होते ही स्टोकली एक नई वेबसाइट की शुरुआत करते हैं जिसका नाम था कस्टम्स फॉर यू, एक ऐसी वेबसाइट जहां पर लड़कियां कैम शोज परफॉर्म कर पाए। वेबसाइट पर खूब लोग आए, लेकिन लोग उस वेबसाइट पर आते थे, मॉडल्स को देखते थे और फिर उनको उनके बाकी अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करके उनसे कनेक्ट कर लेते थे। सो बेसिकली जो वेबसाइट थी वो इन मॉडल्स के लिए तो फ्री ट्रैफिक जनरेट कर रही थी, लेकिन वेबसाइट का एज अ बिजनेस कुछ हो ही नहीं पा रहा था। और ये वो जगह है जहां से सब कुछ बदलने वाला था। साल 2016, इस बार स्टोकली एक नई वेबसाइट बनाते हैं जो कि इंस्टाग्राम की एग्जैक्ट कॉपी थी। बस एक फर्क था कि जहां पर इंस्टाग्राम के ऊपर यू पे बाय योर अटेंशन, वहीं पर इस वेबसाइट पे यू हैव टू पे बाय योर एक्चुअल हार्ड अर्न मनी। एंड मोर ओवर, जहां पर इंस्टाग्राम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते थे, कम्युनिटी गाइडलाइंस होती थी, दिस वाज अ कम्प्लीटली फ्री वर्ल्ड विद नो रिस्ट्रिक्शंस। ओनली फैंस की शुरुआत होती है एंड थिंग्स स्टार्ट टू चेंज। इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए कुछ ही टाइम में इसका एक इंडियन वर्जन भी लॉन्च होता है बाय द नेम जॉइन माई ऐप, द एब्सोल्यूट मनी मेकिंग मशीन फॉर कॉन्टेंट क्रिएटर्स। लेकिन जहां पर एक तरफ से देखने में ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगती हैं, वहीं पर इसकी एक ऐसी साइड भी है जो किसी को मालूम ही नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर क्या है वो भयानक साइड, ये साइड इतनी ज्यादा डेंजरस क्यों है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम जैसे आम लोग इस खतरनाक ट्रैप से बचने के लिए आखिर क्या कर सकते हैं। सो इन सारी चीजों को समझने के लिए हमारा सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इन सारे एप्लीकेशंस का बिजनेस मॉडल आखिर कैसे काम करता है। कोई भी फीमेल क्रिएटर जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंटेंट क्रिएट करती है, उसको मेनली ये दो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नंबर वन, कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जिस चीज के चलते बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। एंड नंबर टू, कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिस्ट्रिक्टेड पोस्टिंग होती है, यानी कि आप जो कंटेंट डाल रहे हो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। सो बेसिकली इस पूरे डोमेन के अंदर अच्छा खासा फ्रिक्शन था, जिस फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए ये दो चीजें करी गई। नंबर वन, रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया एंड नंबर टू, जो क्रिएटर्स हैं उनको एक ऐसा तरीका दिया गया जिससे वो और ज्यादा पैसे कमा पाए। एंड दिस इज वेयर ओनली फैंस और जॉइन माई ऐप का बिजनेस मॉडल शुरू होता है। ये प्लेटफॉर्म्स क्रिएटर्स को अपने कॉन्टेंट को मोनिटाइज करने में मदद करते हैं एंड दैट टू विद रिस्ट्रिक्शन फ्री पोस्टिंग, यानी कि आप एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर कुछ भी पोस्ट कर सकते हो जिसके बदले में आप या तो एक सब्सक्रिप्शन फी या फिर एक वन टाइम फी अपने व्यूअर से चार्ज कर सकते हो। सो अगर बहुत ही आसान भाषा में बोलूं तो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कॉन्टेंट क्रिएटर्स अपना कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं जिसको देखने के लिए व्यूअर्स उन्हें पैसा देते हैं और जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 80% कॉन्टेंट क्रिएटर्स की जेब में जाता है और बाकी का 20% ये एप्लीकेशंस रख लेती हैं। लेकिन सवाल यह है कि कोई किसी को सिर्फ वर्चुअली देखने के लिए आखिर पैसे क्यों खर्च करेगा? एंड दिस इज वेयर इट गेट्स रियली डर्टी। ओनली फैंस और जॉइन माई ऐप, इनके ऊपर जो फीमेल क्रिएटर्स हैं वो अपने बाकी सोशल मीडिया हैंडल से ट्रैफिक ड्राइव करके इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लेकर आती है, जहां पर ये लड़के इन फीमेल से इंटरेक्ट करने के लिए पैसे खर्च करते हैं, जिसके बदले में इन लड़कों को मिल जाती है चैटिंग, वॉइस कॉल्स, न्यूड्स, वीडियो कॉल, बहुत कुछ। इन चीज के चलते जो लड़के हैं वो दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं और जो लड़कियां हैं वो अमीर होती जा रही हैं। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो ये एक इंडियन लड़की है जो कि जॉइन माई ऐप के ऊपर अपनी सर्विसेज देती है, एक 10 मिनट के वीडियो कॉल के लिए 7,000 रुपए। नाउ सी द मैथ, अगर यही सेम क्रिएटर सिर्फ दिन के 30 वीडियो कॉल्स करे तो इसकी डेली की इनकम हो जाती है 2,10,000 रुपए, विच इज क्लोज टू 63 लाख रुपीज अ मंथ। आई नो ये देख के आप क्या सोच रहे हो, क्या आखिर ये लड़के इन लड़कियों के ऊपर इतना ज्यादा पैसा क्यों लुटा रहे हैं?
आज की डेट में तो सबके पास इंटरनेट है, तो फिर ऐसा तो कुछ नहीं है जो किसी के पास अवेलेबल ना हो। तो ये सब कुछ आखिर क्यों? वेल, इसको समझने के लिए आपको पहले इन दो चीजों को समझना होगा। एंड प्लीज लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। कोई भी क्रिएटर या कोई भी व्यूअर, ये लोग ओनली फैंस और जॉइन माई ऐप जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आखिर क्यों जाते हैं, इस चीज को समझने के लिए इन दो चीजों को समझना होगा। नंबर वन, साइकोलॉजी, लड़का और लड़कियों की साइकोलॉजी। एंड नंबर टू, ट्रैप सिस्टम, कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये ट्रैप है, ये आखिर कैसे काम करता है। डोपामिन, द हैप्पी हार्मोन, ये वो चीज है जो हमसे हर वो चीज करवाती है जो कि शायद हमारे लिए सही है या हमारे लिए गलत है, लेकिन अगर आपने अपने डोपामिन को कंट्रोल कर लिया ना, तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर सकते हो। एंड द बेस्ट वे टू डू इट इज डी क्लटर योर माइंड। इसके ऊपर एक बहुत जबरदस्त किताब भी लिखी गई है। एंड यू नो व्हाट, इस बुक की जो बुक समरी है वो आपको आसान हिंदी भाषा में कूको FM के ऐप के ऊपर भी मिल जाएगी, जिसको सुनकर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। और हाँ, आधी 50 कूपन कोड, जिससे आपको अपने कूको FM के साल भर के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 50% का डिस्काउंट मिलेगा ना, वो सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड होता है। लिंक मैंने आप सब लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दिया है। लिमिटेड ऑफर है, चॉइस आपकी है। आज हर एक लड़के के हाथ में इंटरनेट है, यानी कि फ्री एक्सेस टू पोर्न, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स ने लड़कों को एक ऐसी चीज दी जो आज तक उनको नहीं मिली थी, एंड दैट इज द गर्ल नेक्स्ट डोर वाइब। एक अमेजिंग सी फीलिंग जिसको आप डेली इंस्टाग्राम के ऊपर देखते हो, जो शायद आपकी सोसाइटी में रहती है, उसका एक्सेस मिल जाना, जहां नॉर्मल दुनिया में आप उस लड़की से कभी बात करने के बारे में भी नहीं सोच सकते थे, अब बस कुछ पैसे खर्च करके आप उसके साथ वर्चुअल इंटीमेट मोमेंट्स बिता सकते हो। पिकनिक पिक्स और वीडियोस इंटरनेट के ऊपर हर जगह पर अवेलेबल है, लेकिन जिस लड़की को आप डेली बेसिस पर इंस्टाग्राम के ऊपर देख रहे हो, जो शायद आपकी सोसाइटी में रहती है, उसकी न्यूज़ का एक्सेस मिल जाना एक अलग ही लेवल का डोपामिन हिट देता है। एंड दिस इज वेयर यू आर ट्रैप्ड। अब आपको मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स की कोई जरूरत ही नहीं है, डेट करने की जरूरत नहीं है, खुद को इम्प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करने की कोई नीड ही नहीं बची है। जरूरत है तो सिर्फ अपना लैपटॉप खोल के कुछ पैसे खर्च करने की, एंड बूम, यू आर हैप्पी अगेन। अनअर्न्ड इंटीमेसी, ये चीज आज देखने में तो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज जन्म देती है मैडोना होर कॉम्प्लेक्स को। मैडोना होर कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से काम करता है। सबसे पहले बंदा खुद को हर एक चीज से डिस्कनेक्ट कर लेता है, उसको अब किसी भी चीज से कनेक्टेड रहने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, दोस्तों से, फैमिली से, गर्लफ्रेंड से, किसी से नहीं। नंबर टू, डिटैचमेंट, एक बार वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसको हर एक चीज से डिटैचमेंट होनी शुरू हो जाती है, और उसके बाद जन्म होता है डिजायर का। डिजायर ऐसी लड़कियों की जिनको आप कभी प्यार नहीं करना चाहते हो, ऑल यू वांट इज सम प्लेजर। वेयर एज अगर हम उन फीमेल क्रिएटर्स की बात करें जो कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रही हैं, उनकी साइकोलॉजी इन प्लेटफॉर्म्स ने इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैठे व्यूअर्स से भी बुरी तरीके से खराब कर दी है। हर कोई जो भी इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस वक्त कॉन्टेंट क्रिएट कर रहा है, उनके दिमाग में एक चीज फिट हो चुकी है, मेंटली दे हैव बीन प्रोग्राम्ड देन दे कैन गेट रिच विदाउट डूइंग एनीथिंग बट by just showing their body. Sounds really bad, but it is basically खुद को बेचना बिना खुद को बेचे। Virtual body selling हजारों लड़कों को करी जा रही है, जो कि लड़कों के अंदर aerodyne intimacy को जन्म देती है। एक ऐसी intimacy जिसमें कोई responsibility ना हो, कोई मेहनत ना हो, no feelings, no emotions, only lust, जो लेकर आता है हमें सबसे important चीज की तरफ, कि आखिर viewers और creators ये दोनों इस वर्चुअल बॉडी सेलिंग के ट्रैप के अंदर आखिर कैसे फंस जाते हैं। सो इसके चार स्टेजेस हैं, और जैसे जैसे ये स्टेज बढ़ती जाती है, इट स्टार्ट्स टू गेट मोर डेंजरस। स्टेज वन, एक्सपोजर। एज अ क्रिएटर आप बहुत सारे अलग अलग क्रिएटर्स को देखते हो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हुए, जिस चीज को देखकर आपको लगता है कि आपको भी ओनली फैंस या फिर जॉइन माई ऐप इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने कुछ कॉन्टेंट सेल करना चाहिए, जिसके बाद आप इन प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करते हो। वेल, अब आपने प्लेटफॉर्म तो ज्वाइन कर लिया है, बट आप लोगों को कैसे लेके आओगे? सो इसको करने के लिए आप एक बेट डालोगे अपने बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इन सभी के ऊपर आप फोटोज, वीडियोस या कुछ ना कुछ ऐसा डालोगे जिससे आप ट्रैफिक जनरेट करके अपने ओनली फैंस या फिर ज्वाइन माई ऐप के ऊपर ला सको। आपने लोगों को देखा खूब सारा पैसा कमाते हुए, आपने एप्लीकेशन को ज्वाइन किया, ऑनलाइन बेट डाली, और अब बूम, आपके पास बहुत सारी ऑडियंस आ चुकी है जो आपका एक्सप्लिसिट कंटेंट देखने के लिए आपको अच्छे खासे पैसे देगी। अब आप रेगुलरली पैसे खर्च करके एक्सप्लिसिट कंटेंट देखने लग गए हो। नाउ स्टार्ट्स स्टेज टू, एंड दैट इज एडिक्शन। अब आपके लिए क्रिएटर कोई लड़की नहीं रही, अब वो आपका जुनून बन चुका है। अब आप हर दिन उसको इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के ऊपर चेक कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि कहीं उसने अपने ओनली फैंस के ऊपर कुछ नया कॉन्टेंट तो नहीं डाला। जैसे ही कोई नया कॉन्टेंट डालेगी तो कोई ना कोई अपडेट इनके बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो आ ही जाता है, और वहां से मैं ये और ज्यादा कॉन्टेंट देखूंगा। यू स्टार्ट टू डेवलप लस्टी फीलिंग्स फॉर हर। सो बेसिकली अपना दिन शुरू होने से दिन खत्म होने तक You are just looking forward to her. कि कब काम खत्म होगा, कब सब जाएंगे और कब मैं उसके साथ वक्त बिताऊंगा। अब ये आपका हार्डकोर एडिक्शन बन चुका है। अगर आपके पास पैसे नहीं भी है तो भी आप कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ करके लाओगे ही लाओगे। But you know what?
चीजें यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब शुरू होता है स्टेज थ्री एस्केलेशन। नाउ यू मूव अप द लैडर। अब आपका एक क्रिएटर से मन नहीं भर रहा, यू आर बोर्ड। अब आप अलग अलग क्रिएटर्स को देखना चाहते हो, अलग अलग क्रिएटर्स के साथ पैसे खर्च करके उनके साथ इंटीमेट होना चाहते हो। अब आप और अलग अलग ओनली फैन मॉडल्स को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करने लग गए हो, लाइव शोज, फोटोज, वीडियो कॉल्स, न्यूज, हर एक चीज के ऊपर आप दबाकर पैसा खर्च कर रहे हो, और आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप स्टेज फोर पे पहुंच चुके हो। स्टेज फोर, डीसेंसिटाइजेशन। अब आपका दिमाग इस तरीके से प्रोग्राम हो चुका है कि आपको रिलेशनशिप्स की जरूरत ही नहीं है, फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, कुछ नहीं। जरूरत है तो सिर्फ एक लैपटॉप की और अलग अलग मॉडल्स के ऊपर खर्च करने के लिए खूब सारे पैसों की। हमारी बॉडी गैप के ऊपर चलती है, यानी कि जनरल अडेप्टेशन प्रिंसिपल। इन सिंपल वर्ड्स, आप जो भी चीज करते हो, हमारी बॉडी विद टाइम उस चीज को लेकर अपनी टॉलरेंस पावर को बढ़ाती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान है जो कि ड्रिंक नहीं करता, अगर आप उसको एक या दो ड्रिंक्स पिलाओगे तो वो उसी में झूल जाएगा। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान जो कि रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम करता है, उसको आप 5 से 6 ड्रिंक्स भी पिला दोगे तो उसको कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी ने अपनी टॉलरेंस पावर को उस लेवल पर ले जा चुकी है, उस लेवल पर बढ़ा चुकी है जहां पर वो 5 से 6 ड्रिंक्स आराम से झेल पाए। और ये सेम चीज होती है जब आप इन एप्लीकेशंस को यूज करते हो। अब आप इंस्टेंट सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लूप के अंदर फंस चुके हो, जहां से शुरुआत होती है डिप्रेशन की। कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, जिंदगी में जो ड्राइव है ना उसको खो दोगे। मन ही नहीं करेगा कि किसी से बात करूं, कुछ मेहनत करूं, क्योंकि अब सक्सेस इंपॉर्टेंट नहीं है। डोपामिन तो आपको आराम से अपना लैपटॉप खोल के कुछ पैसे खर्च करके मिल ही रहा है। बट आई नो, इस टाइम तक आप यही सोच रहे हो ना कि इन एप्लीकेशंस ने लड़कों की कितनी ज्यादा खराब हालत कर दी है, लड़के बर्बाद कर दिए, मतलब क्या कर दिया लड़कों के साथ। बट यू नो वॉट, दिस इज जस्ट वन साइड ऑफ द स्टोरी। जो लड़कियां इस वक्त ओनली फैंस या ज्वाइन माई ऐप जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रही है ना, उनकी जिंदगी इन लड़कों से भी ज्यादा मिजरेबल है। बाय सेलिंग योरसेल्फ इन अ वर्चुअल मार्केट, आप अपने जो फ्यूचर पोटेंशियल पार्टनर्स है ना, उनको एक सिग्नल देते हो कि आप एक ऑब्जेक्ट हो। और अगर आप एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करोगे ना, तो दुनिया आपको ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करती है। आई नो सुनने में बहुत खराब लग रहा है, बट दिस इज द हार्श रियलिटी। सीरियसली, नो ऑफेंस, बट आस्क योरसेल्फ कि कोई आपके ऊपर अपने टाइम और एफर्ट्स क्यों लगाएगा अगर आपका एक्सेस हजारों लड़कों के पास है और वो बस कुछ पैसा खर्च करके आपके साथ वो सेम मोमेंट्स एंजॉय कर सकते हैं जो कोई और बंदा कर रहा है। तो वो आपके ऊपर अपना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट करेगा? वो भी कुछ पैसे खर्च कर ले और उसको भी सेम एक्सेस मिल जाएगा। जो नई लड़कियां इन चीजों को एक्सप्लोर करती है, उनको ऊपर से देखने में ये गेट रिच बाय डूइंग नथिंग वाला हिसाब लगता है। बट यू नो वॉट, reality kuch aur hai. Last night is when I was just really had enough of it. I did a questions thing. Questions are like, so when are you gonna sleep with me and all this? Like a lot of them were like that. I don't wanna be an object like this. Ab zindagi mein kuch bhi karo, there is always a hidden cost attached to it. Aur aapko pata hai only fans ki hidden cost kya hai? बताता हूँ। इनसिक्योरिटी। ओनली फैन मॉडल्स को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि जब वो रियल लाइफ में कदम रखती हैं, कोई उनसे बात नहीं करना चाहता, कोई उनके साथ बैठना नहीं चाहता, और अगर कोई बैठना भी चाहता है, बात भी करना चाहता है, उनके इंटेंशंस अच्छे नहीं होते हैं। नंबर टू, एम्बैरेसमेंट। बहुत मुश्किल होता है लड़कियों के लिए ये बताना कि वो लोग ज्वाइन माई ऐप या ओनली फैंस के ऊपर आखिर करती क्या है, नो मैटर हाउ मच मनी दे आर मेकिंग। नंबर थ्री, जजमेंट्स। इतने ज्यादा लोग जज करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और ये चीज आपको इतनी ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन देगी दैट इट इज अनबेरेबल। एंड फोर्थ एंड सबसे ज्यादा मिजरेबल, नो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। एक ओनली फैंस या ज्वाइन माई ऐप के ऊपर काम कर रही मॉडल के साथ ना, कोई भी इंसान लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहता, क्योंकि लड़के ये सोचते हैं कि अगर हजारों लड़कों के पास इस लड़की का एक्सेस है तो फिर ये मेरे लिए स्पेशल कैसे हुई? मैं इसको टाइम और इसके ऊपर एफर्ट्स क्यों लगाऊं? ज्यादातर लड़कों का ये कहना है दैट दे विल नेवर डेट समवन हु इज ऑन ओनली फैंस और जॉइन माय ऐप, एंड दिस इज द हार्श रियलिटी। हो सकता है कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लड़के आपके ऊपर पैसे खर्च करके खूब प्यार बरसाए, बट यू नो वॉट, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप दे रियली डोंट वॉन्ट यू। एंड ऑनेस्टली, जो भी कोई ये देख रहा है ना, इन टर्म्स ऑफ अ व्यूअर और इन टर्म्स ऑफ अ क्रिएटर, अगर आप इन दोनों में से कुछ भी हो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ये मेरी ड्यूटी थी कि मैंने आपके सामने इस चीज की वो साइड रखी है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। अब आगे क्या करना है आपका डिसीजन है। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल सीखा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपसे ऐसी वीडियोस कभी भी मिस ना हो।